हाय मेरी प्यारी भाई और बहनों, आप सब कैसे हो। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो, मैं भी खुश हूँ। आज मैंने एक गांव में आके पहुँच चुका हूँ, कोरलोपोसी गांव। इस गांव का खासियत क्या है मैं आप लोग को वीडियो के साथ दिखाऊंगा। इस गांव का बहुत सारा खासियत है। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप लोग सब अच्छा रहो और मेरे वीडियो को खूब एंजॉय करो, ठीक है दोस्त। दोस्तों अभी हम लोग कोटोपसी गांव में आके पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक हमारा गांव का चाचा है, उनको पूछेंगे। यही जीवे यही बाटे यही रास्ते जा गोटे एन एच टे पड़ब, एन एच आगे गोटे पुलिया पड़ब, पुलिया आगे गोटे बंधट अच्छे बंधट डेबरी कर रास्ता। अभी दोस्त देखिए, चाचा ने बोल दिया इसी रोड में जाएंगे। हाँ, ये रोड है, एन एच को पड़ब, इसी रोड में जाके एन एच से वहाँ पर मिलेगा। एन एच से किधर जाने के लिए चाचा? एन एच रहे पश्चिम करके जीवे। अच्छा, एन एच भी, एन एच से जाने के बाद उस पश्चिमी दिशा पर दिशा को जाएंगे, उस तरफ कांजियाम का रास्ता पड़ेगा, इसी रास्ते में जाएंगे। गुंफा अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर गुंफा है? गुंफा रोड तो हाफ किलोमीटर गुंफा डाउ। अच्छा, इसी रोड में जाने के बाद हाफ किलोमीटर पड़ेगा, वहीं से गुंफा है। मैं इतना भी कर सकता हूँ भाई, बहुत तकलीफ है, रास्ता भी खराब है। अब देखिए दोस्त, कांजियाम गुम्फा का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी नज़ारा है। चारों तरफ पर्वतमाला के बीच में एक प्यारी सी गुम्फा है। अभी आप लोग को दिखाएंगे चारों तरफ पेड़ पौधा है। दोस्तों अभी मैंने कांजियाम गुम्फा में आके पहुंच चुका हूं। अभी बोर्ड में लिखा है गुम्फा मालिनी कांजियाम मठो। ये बहुत ऐतिहासिक मठ है। हम लोग पूरा जंगल अंदर दे के आके पहुँच चुके हैं। हम लोग इसी रोड में आए थे, अभी इसका नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर साधु संत महारत हैं, उनको पूछेंगे। Thank you.
यहाँ पर एक छोटी सी कुआँ है, जैसे पानी लेते हैं, जाएंगे देखेंगे कुआँ में कितना पानी है। अभी दोस्त हमारे पास साधु महाराज खड़ी है, हमें अभी पूछेंगे इस गुफा का रहस्य में क्या है। ठीक है साधु महाराज जी, अब बताइए इस गुफा का रहस्य क्या है और इससे ये कितना साल पुराना है? ये गुफा होती है पूर्वतन 100 वर्ष गुफा। यदि पंशु पांडव मैंने आम पुराण लिखित अनुसार यदि पंशु पांडव मैंने बसवास करते कि अज्ञान बनवास आसते समय से ये रोते ତାଙ୍କର କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ କାନ୍ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ବି ଆମର କାନ୍ଥରେ ଅଛି ପୂର୍ବ 100 ବର୍ଷର। ଆଉ ଋଷିମୁନିମାନେ ବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ବି ଆମେ ଏଠି କରନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଛୁ। ଆ ଭିତରେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଋଷିମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁ ଗୁମ୍ଫା 100 ଯୋଜନକୁ ଲମ୍ବିକି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ପୁରାନା ହେସେ ବହୁତ ସାରା ରହସ୍ୟମୟ ଅଣ୍ଡର ହେ। ଠିକ ଏସେ ମତଲବ ୟା ପର କିତନେ ଗୁମ୍ଫା ହେ? 5-7 ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା ମାଳିନୀ ଗୁମ୍ଫା, ମାଳିନୀ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହେଇଛି। ଅଭି ଦୋସ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଅଭି ଦୋସ୍ତ ୟା ପର ସବ ଖାସିୟତ ବାତ ଏଇ ହେ 5 ଗୁମ୍ଫା ହେ। इस गुफा हर कई सुरंग का खासियत है। अभी दोस्त मैंने गुफा के अंदर आके बैठा हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर बहुत ही दिल का सुकून मिलता है गुफा के अंदर बैठने के बाद। अभी हम लोग जाएंगे, आप लोग दिखाएंगे। दोस्त देखिए ये जो लकड़ी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये 100 साल के लकड़ी है। इसको यज्ञ वगैरह करते थे और इसको भी पूजा करते हुए लकड़ी बहुत ही पुरानी लकड़ी है। अभी बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है, देखिए दोस्त यहाँ पर ये रास्ता गुफा के साइड साइड गया है, उस तरफ से आया है, इस तरफ पूरा घूम के रास्ता ऐसे ही मैंने बताया था चारों तरफ है। देखे कैसे नज़ारा है, अभी दोस्त देखिए यहाँ पर और भी एक सुरंग है,
देखिए ये सुरंग का खासियत क्या है। देख सकते हो सुरंग का खासियत, सुरंग का खासियत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक रास्ता है, देख सकते हो ये सुरंग है। कहाँ का रास्ता जा रहे हैं आप आएंगे पूछेंगे, बहुत ही अंदर अंधेरा है। धीरे धीरे भीतर भी जाएंगे, अंदर का नजारा देखिए दोस्तों, ये अंदर का नजारा बड़ा बड़ा काला चींटी सा पर कैसे है। जाने के लिए अब इस तरफ जाएंगे, इतना सारा चिट्ठी यहाँ पर गुफा के अंदर गुफा ये अंदर का नजारा देख सकते हैं। बाबा भी वहाँ पर आ चुके हैं हमारे साथ, अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों मैंने अंदर गुफा के अंदर जाकर देख लिया हूँ, यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय जगह है। जितना भी गुफा है यहाँ पर उसके अंदर एक सुरंग है, इस सुरंग कहीं ना कहीं जाकर पहुँचता है। और इस तरफ जो सुरंग है ये सीधा जाकर हमारा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट माँ बूढ़ी ठाकुरानी मंदिर के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर भी एक सुरंग है, बहुत लंबा है। हम गए थे अंदर, अंधेरा के वजह से हम लोग चले आए। यहाँ पर जितना भी है, जितना भी सुरंग है हर कोई रहस्यमय है। यहाँ पर पंचु पांडव माँ कुंती यहाँ पर तपस्या वगैरह करते थे, और यहाँ पर हमारे जो साधु महाराज है वो बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही मेरे को शायद लगता है बहुत ही रहस्यमय जगह है, जो कि हम लोग इस वीडियो में पूरा दिखा नहीं सकते हैं। अगर इसको दिखाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्त आप लोग कभी यहाँ घूमने के लिए आइए, बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पर जितना भी गुफा है कहीं ना कहीं एक सुरंग है, और उसी सुरंग कहीं ना कहीं जाकर पहुँचता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाया था, यहाँ पर एक दिया जल रहा है, उसी दिया मतलब कभी इसको बंद नहीं करते हैं, और हर दिन हर साल हर महीने ऐसे ही जलता है। अभी हम थक चुके हैं इतना गुफा के अंदर जा जा कर, यहाँ पर आने के लिए आप लोग अनुगुल से आ सकते हैं या रियामाल ब्लॉक से होकर भी आ सकते हैं। हमारा एक
एनएच किया है। इधर से हमारा अनुगुल और इधर से रियामल एनएच के पास, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर है। यहाँ पर आके दोस्तों घूम के ज़रूर जाना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या मैं बताऊँ, जितना बताऊँ कम है। अभी तो हम लोग दिखा दिया हूँ अंदर गुफा के अंदर जाकर, या अंधेरे के वजह से थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है,